जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मृत्यु से भय कैसा। जब भी किसी को मृत्यु से भय लगे, अपने अंत समय से भय लगे, तो इस कथा को सुनिएगा। आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। राजा परीक्षित को श्री भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन राजा परीक्षित जी का मृत्यु के प्रति जो भय है वो बना हुआ है, वो शोक नहीं निकल रहा है। उनको वही डर लग रहा है कि कल मेरा अंत हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन बड़ा दुखी हो रहा है। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरम्भ करी है। वो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत समय की पहले की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। संयोग बस वे रास्ता भूल गए और बड़े घनघोर जंगल में पहुंच गए हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा भी बहुत तेज हो रही है। जंगल में शेर आदि का बड़ा डर था। वह राजा बहुत डरा हुआ था कि क्या करूँ, कैसे कहाँ पर रात्रि व्यतीत करूँ कि मतलब जान बच सके। जगह ढूंढने लगे हैं विश्राम करने के लिए। रात के समय अंधेरा होने की वजह से उनको एक दीपक की रोशनी दिखाई दे रही है। उस रोशनी को देखते देखते ही वो दूर से चले आ रहे हैं और धीरे धीरे करके इस झोपड़ी के पास पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की झोपड़ी देखी है। बड़े गंदा बहेलिया है, बाहर बैठा हुआ है। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं रह सकता था, इसलिए झोंपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्याग करने का स्थान बना लिया है। एक झोंपड़ी है, एक ही कमरा, उसी में ही वो मलमूत्र त्याग भी कर रहा है। और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस भी उसने वहीं लटका रखा है। सोचिए कितनी बदबू आ रही होगी, बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंधयुक्त वह झोंपड़ी। इस झोंपड़ी को देखकर पहले तो राजा का मन बड़ा बेचैन हुआ कि ये क्या है, लेकिन फिर सोचा पीछे कि कुछ भी सिर छुपाने की जगह तो चाहिए, रात में कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं। उन्होंने बहेलिए से कहा, कृपया मुझे झोंपड़ी में रुकने की आज्ञा दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, मैं आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बहेलिए ने कहा, आश्रय के लोभी राहगीर अक्सर यहाँ पर आते हैं और आश्रय मांगते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, वो तो यहीं रुक जाते हैं, जाना ही नहीं चाहते। राजा बोला, इतनी गंदी दुर्गंधयुक्त झोंपड़ी में कौन रुकना चाहता है, मैं तो सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, तुम चिंता ना करो। बोले, नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, सभी लोग जो भी यहाँ रुकते हैं वो यहीं का आके हो रहना छोड़ना चाहते हैं, इसको जगह को छोड़ना नहीं चाहते, इस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे झंझटों में तो मैं कई बार पड़ चुका हूँ राजन, मैं आपको अपनी झोंपड़ी में रहने की आज्ञा नहीं दे सकता। लेकिन जब राजा बार बार विनय करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, तो राजा ने आज्ञा मांग ली उनसे, बहेलिए से। उसका काम संयोग से भटकते हुए कि मैं एक ही रात तो काटने आया हूँ, मुझे एक रात के लिए दे। बहेलिए ने राजा को अनुमति तो दे दी है और कहा कि सुबह होते ही खाली कर देनी है। बोला, बिल्कुल, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, इतने दुर्गंधपूर्ण जगह में मैं कल क्यों रुकूँगा, मैं तो एक राजा हूँ। बहेली ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट के झोंपड़ी खाली करने का निर्देश दिया है राजा को कि जाइए आप मेरी इस झोंपड़ी को खाली कर दीजिए। अब आपसे मैंने वचन लिया था कि सुबह होते ही आपको मेरी ये झोंपड़ी खाली करनी है, तो आप यहाँ से जाइए। सोने पर झोंपड़ी की जो दुर्गंध थी राजा के मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठे तो वह उनको अति प्रिय लगने लगी। वो झोंपड़ी की व्यवस्था, वो जगह जगह मांस लटके हुए, वो गंदगी, वो राजा को प्रिय लगने लगी सुबह होते होते, और वो भूल गए कि वो मैं एक राजा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा ये निवास स्थान नहीं है, मैं तो महल में रहता हूँ, मेरा ये ठिकाना नहीं है, मेरा ये जीवन का उद्देश्य नहीं है जहाँ के लिए मैं तो भटक गया था, इसलिए यहाँ आया हूँ, भटका हुआ राहगीर था ना, इसीलिए तो आया उस झोंपड़ी में राजा। लेकिन अब तो वो जाना ही नहीं चाहते। इस पर बहेलिया को बहुत गुस्सा आया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना बड़ा दुखी कर रहा था, बड़ा क्लेश लग रहा था।
दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है। कथा सुनाकर सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए विवाद करना क्या उचित था? परीक्षित बोले, नहीं महर्षि, इतनी गंदी झोपड़ी, इतना गंदा बहेलिया, मल मूत्र त्याग, उधर मांस लटके हुए हैं, उस जगह पर राजा रहना ही क्यों चाहता था? और रहना चाहता भी था तो उस जगह के लिए लड़ना क्यों था? वो कोई इतनी अच्छी जगह तो थी नहीं जिसके लिए लड़ रहा था। वह तो लगता है बहुत ही भारी मूर्ख था जो इतनी गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। इस पर राजा बोले, राजा से महर्षि बोले हैं सुखदेव जी कि तो राजन तुम क्या कर रहे हो? इस गंदगी भरे शरीर में मल मूत्र की गठरी ही तो है ये हमारी देह। इस शरीर से तुम्हें इतना मोह है कि तुम इसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। तुम्हें डर लग रहा है कि मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आने वाली है। तुम्हें 6 दिन की कथा से भी तुम्हारे मन की शंका दूर नहीं हो रही है, तो तुम क्या कर रहे हो? ये अवधि कल समाप्त हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे मन से भय खत्म नहीं हो रहा है। फिर आप भी तो झंझटी फैला रहे हो ना मृत्यु के बीच में, जीवन और मृत्यु। आप भी तो भटक गए थे, जीवन को तभी तो लिया, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे, और जब निकलने की बारी आ रही है, सुबह हो गई है, तो तुम उस राजा की तरह फिर झंझट कर रहे हो, बहेलिए से कह रहे हो कि मैं नहीं जाना चाहता। राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा है और वे बंधन मुक्ति के लिए तत्पर तैयार हो गए। यही परम सत्य है कि एक जीव जब अपनी माँ की कोख में जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर ही भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमरण करूँगा। और जब जन्म लेकर पृथ्वी पर आ जाता है तो सोचने लगता है यही मेरी जगह है, यही मेरा जीवन है, यही उद्देश्य है, धन संपत्ति स्त्री यही सब मेरे लिए है। ये दुर्गंधपुर पूर्ण जीवन, ये भौतिकता पूर्ण जीवन उसको अच्छा लगने लगता है, भगवान को भूल जाता है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करिए, पहचानिए और मृत्यु उसका भय मत कीजिए। भगवत नाम लेते हुए परम गति को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का परम उद्देश्य है। कैसी लगी आपको ये कथा? अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर वृतांत, जीवन चरित्र, भक्तमाल कथाएँ लेकर आपके लिए आती रहूँगी। मेरे चैनल पे बने रहिएगा, बहुत आनंद आएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया करके जिसने भी ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कार्य को करने का और मेरा ये कार्य आगे बढ़ेगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे।